नमस्कार मित्रों, जय मां भारती, जय हिंद। कैसे हो आप सब? दोस्तों, आपके अपने मंच पर आपका स्वागत है। ये प्रभात टॉकी मेरा मंच नहीं है, आपका मंच है, आपका प्लेटफॉर्म है, भारत के युवाओं का प्लेटफॉर्म है, इस देश का, वो देश जो ये कहता है कि पूरा विश्व ही मेरा परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी रहे, सभी खुश रहें, सभी निरोगी रहे, जिसकी कामना करता है ये देश, भारतवर्ष। हम उस देश की बात कर रहे हैं, उस देश के युवाओं की बात कर रहे हैं, आपके साथ मिलकर, आपको अपने साथ लेकर। वो कहते हैं ना कि हम तो अकेले ही चले थे जानिब मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। दोस्तों, ये मंच युवाओं के उन खुशियों के पलों की, उन दिल की आवाज की, उन चीजों की बात करता है जहां पर हर युवा का दिल बसता है, जैसे कि खेल। छोटे छोटे शहरों से, कस्बों से उठकर आए हुए लड़के देश के नाम को कितना आगे बढ़ा रहे हैं, जैसे कि नीरज चोपड़ा, गोल्डन बॉय आजकल, आर्चरी में दीपिका कुमारी फ्रॉम झारखंड, जिन्होंने हमारे देश का नाम दुनिया में रोशन किया है, दुनिया में भारत के तिरंगे का मान बढ़ाया है। पर वैसे ही समय जब कुश्ती महासंघ के प्रेसिडेंट, अब हो सकता है हम खोल दे तो सुनामी आ जाए। मैं विदेश में नहीं हूँ, इस समय नंदनी नगर में हूँ, रजाइन करने के लिए नहीं, जवाब के लिए, जवाब। हमारे रेसलर्स अभी टोक्यो ओलंपिक्स में, जिन्होंने देश का नाम इतना आगे बढ़ाया, उनको जब आप जंतर मंतर में या दिल्ली में धरने पे बैठे हुए देखते हैं तो कैसा लगता है? एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री उन खिलाड़ियों से अकेले अकेले मिलते हैं, और दूसरी तरफ इस तरह का कंट्रोवर्सी, कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के ऊपर यौन शोषण का आरोप। खिलाड़ी अपने खेल पे फोकस करे या इन चीजों से जूझे। अच्छा, मैं अगर इसको नंगी सच्चाई कहूं ना तो गलत नहीं होगा। अगर कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के ऊपर, वो ब्रजभूषण भरतचरण सिंह जो हैं, उनके ऊपर अगर इस तरह के आरोप लगे हैं तो ये बिल्कुल ही जहानत की बात होगी, शरीफ इंसान का काम होगा कि वो पहले अपने आरोपों को की जांच करवा ले और तब तक के लिए कुर्सी से, वो अध्यक्ष पद से हट जाए। पर अगर अध्यक्ष ये कहने लगे हम काहे हटेंगे, आरोप लगा तो हम काहे छोड़ देंगे, अगर हम मुंह खोल दिए तो सुनामी आ जाएगा, और इधर खूटा जमा करके डंडा सामने गाड़ करके कि हम काहे हटेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उन्होंने इसका जवाब देने के लिए, तो वहां पे उन्होंने पहला जवाब ये दिया कि अच्छा, ऐसी बात है, मेरे ऊपर आरोप लगा है, ठीक है, पहली बात तो ये बताइए कि सामने आके कोई बोला क्या? सामने आके बोलने के लिए कोई सामने आया क्या? मेरे मित्रों, ये सिर्फ मेरी बात नहीं है कि मैं कहूं, आप लोगों को भी इस पर सोचना चाहिए और इस पर रिएक्ट करना चाहिए। सो फिटनेस के लिए जो पहला मूल मंत्र है, मेरा मंत्र है, वो है कोई एक खेल, कोई एक आर्ट। सो मैं मार्शल आर्ट करता हूं, के साथ ही साथ मैं कैलिस्थेनिक्स भी करता हूं। और उसके बाद
कभी कभी फुटबॉल. हेवन, इट्स द अल्टीमेट थिंग विच कैन हैपन टू यू, इट्स द बेस्ट थिंग. योगा फॉर ध्यान. देखिए, स्पोर्ट्स और फॉर दैट मैटर एक्टिंग एक चीज आप में डेवलप कर देती है, और वो क्या, वो है फोकस. अगर आप फुटबॉलर हैं और आप स्ट्राइकर हैं तो आपका फोकस होना चाहिए गोल पर. अगर आप एक कलाकार हैं, एक परफॉर्मर हैं, तो आपका ध्यान होना चाहिए अपने परफॉर्मेंस पर, अपने कैरेक्टर पर, और तभी होगा जब आप में खुद फोकस हो. और फोकस के लिए योगा इज़ अ मस्ट. जैसे मैं बात कहता हूँ कि यू नो फिटनेस, अब जैसे आपको अपना एक रूटीन बनाना चाहिए, आप में डिसिप्लिन होना चाहिए, इसकी बात हम जब करते हैं तो सबको लगता है कि यार अब हमें सब छोड़ कर, ये दुनियादारी सब छोड़ करके अब हमको जाना पड़ेगा हिमालय और वहाँ पर जाकर ध्यान लगाना पड़ेगा गजोदर भैया की तरह. ऐसा नहीं है. मतलब आपको आपको डिसिप्लिन होने के लिए दिन को रात या रात को दिन करने की जरूरत नहीं है. बहुत छोटी छोटी चीज़ें, बेसिक्स. तो उसमें पहला क्या, अपने लाइफस्टाइल को, अपने अपने रूटीन को, अपने सोने के समय को और अपने उठने के समय को सबसे पहले फिक्स कर लो. अब बुरा ना माने तो मैं देखता हूँ कि जो आजकल के युवा हैं उनके अगर कहा जाए कि यार 10 बजे हम सो जाते हैं, 10 बजे तो हम 10 बजे कोई सोता है. Having said that, it does not mean that tough time which you face and a player faces, he should lose heart. दुखी हो जाए और मन खट्टा हो जाए और वो खेल छोड़ दे, नहीं. इस जगह पर खिलाड़ी जो है ना वो खड़ा होता है और कहता है नो, माई फोकस, गेट बैक टू फोकस. लाइक कृष्णा टोल अर्जुन, एक ही कुरुनंदन. अर्जुन अपनी नजर सिर्फ और सिर्फ उस मछली की आंख पर लगाओ, उसे ही अपना ध्येय बनाओ और आगे बढ़ जाओ. एक बात मुझे बार बार मेरे मन में आती है, वो ये कि 140 करोड़ के इस देश में क्या 14 ऐसे खिलाड़ी नहीं हैं जो वर्ल्ड कप के मैदान में हमारे तिरंगे को लहराते हुए दौड़े, वर्ल्ड कप फुटबॉल फीफा के मैदान में अपने तिरंगे को लहराते हुए दौड़े और जिसे देखकर पूरा देश, पूरा भारतवर्ष खुशी से झूम उठे. छोटे छोटे शहरों में बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी, ऐसे टैलेंट मैंने देखे फुटबॉल में जिन्हें सिर्फ तराशा जाए, उन्हें सही गाइडेंस दिया जाए, उन्हें सही डायरेक्शन दिया जाए, सही ट्रेनिंग दी जाए, तो ये हकीकत में बदल सकता है. तो दोस्तों, खेल की बात बहुत हो गई, लेट्स टॉक अबाउट द अदर इंटरेस्ट, द अदर एक्साइटिंग थिंग इन लाइफ. कला में अभिनय जैसे एक उसका हिस्सा है, वैसे ही बिहाइंड द कैमरा वेरी वेरी एक्साइटिंग क्रिएटिव वर्क लाइक राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग, इनोवेटिंग न्यू आइडियाज, कंटेंट डेवलपमेंट, है ना. आपके पास भी अगर ऐसी कोई बात, ऐसे कोई हुनर, तो आप ज़रूर अपने उन वीडियोस को भेजिए, हमसे जुड़िए, इस मंच से जुड़िए. सो फ्रेंड्स, इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो का इंतज़ार करें. हम बहुत जल्द आपके सामने फिर हाजिर होंगे. जय मां भारती. थैंक यू वेरी मच.